राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया है। लंबे समय तक यातायात बाधित होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का यह प्रदर्शन खास तौर पर पंचायती राज की मांग को लेकर था। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात किया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाए कि पंचायती में सरपंच, अध्यक्ष व जनपद सदस्यों के अधिकारों को कम कर दिया है, जिसकी वजह से इन सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। नरसिंहगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पंचायत के सभी माननीय सरपंचों का जो संगठन है, उसने 20 सूत्री मांग पत्र रखा है। मूल मांग यही है कि जो सरपंचों को मध्य प्रदेश शासन ने सन 94 से लेकर 2003 तक दिए थे, वो उन्हें वापस दिए जाएं और राशि सीधे उनके खाते में जमा हो, जहां वो गांव में ग्राम सभा की बैठक करके चर्चा करके उसका निराकरण कर सकें। इसी बात को लेकर ये आज पहले हमारा ग्राम सभा में भी सभा हुई थी और आज हमने 2 घंटे के लिए चक्का जाम किया है।